बैठकर खाए नीचे गिरेगा, हाथ से शुरू हो गई है और यहाँ पे गिरने वाला है। जैनब, जैनब, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है और आज के व्लॉग के अंदर बच्चे कुछ इंजॉयमेंट करने वाले हैं, जिसको कहने को कह सकते हैं कि चैलेंज कह लें आप, नूडल चैलेंज। ठीक है, आज जो ख़ास मेहमान है हमारे व्लॉग के अंदर, आज मेहमान है जमाल। जमाल कौन है? वो है मेरी नंद का बेटा। तो जवाब और जमाल का होगा चैलेंज और साथ जैनब का भी होगा और नवाब का भी होगा। तो आज आप लोगों ने इस व्लॉग को मिस नहीं करना है और मेरे साथ आप लोगों ने कंटिन्यू रहना है, तो मिस मत कीजिएगा। और आप लोगों ने, अच्छा एक और चीज़ मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी आप एक्टिविटी मिस ना कर सकें। तो चलते हैं व्लॉग की जानिब और देखते हैं कि आज के चैलेंज में क्या होने वाला है। A few moments later. अच्छा, हमारी लाइट नहीं है तो मैंने नूडल रेडी कर लिए हैं और नूडल रेडी करने के बाद अब मैं इसको सर्व करने वाली हूँ बर्तन में, और बर्तन में डालने के बाद अब मैं दूंगी बच्चों को। अच्छा, ये मैंने नूडल प्लेटों में डाल ली है, चार प्लेटों में, और अब मैं इनको बिठा रही हूँ और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या एंजॉयमेंट चलती है, कौन पहले फिनिश करता है, कौन बाद में फिनिश करता है। पहले तो चीटर आपके सामने सारे बैठे हुए थे, जैनब और डेबू, और अब देखते हैं चीटिंग कौन करता है और कौन सी एक्टिविटी हमारे सामने आती है। अच्छा, अब ये मैं क्या कहते हैं कमरे में जा रही हूँ, पसीना पसीनों ही हुई हूँ। अच्छा, ये प्लेटें मेरे पास है, स्पून नहीं लिए हैं जमाली अपना, जमा स्पून नहीं लिए, अच्छा स्पून निकाल लो भाइयों के लिए। और अब मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ और अब इनको बिठाती हूँ। असल में 3 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, वीडियो शूट इसलिए नहीं की है, मेरी जो छोटी वाली बनीन है ना, ईद से पता नहीं उसको नज़र लगी हुई है क्या है, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ही ज़्यादा रोई जा रही है, रोई जा रही है। अब टाइम मिले तो दम करवाने के लिए जाऊँगी उसको। अच्छा, ये है कि अब मैं बेड पर बैठ गई हूँ, थोड़ा सा AC ऑन किया, सांस मेरा बंद हो रहा है और अब मैं बच्चों से मिलवाती हूँ। ये जवाद आ गए हैं, जवाद हेलो करो, हेलो, खाना बंद करो, जब स्टार्ट होगा तो तभी खाओगे ना। जैनब हेलो करो, हेलो, जमाल हेलो। अच्छा, आपने भी कर दिया हेलो, अब हम मिलवाएंगे जमाल से। हेलो करो जमाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जमाल आप लोगों से सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जमाल, अभी आप लोगों का होने वाला है चैलेंज। ये जमाल है और ये जवाद है, ये दोनों हम उम्र हैं, सिर्फ तकरीबन 4 मंथ का इनमें फ़र्क है। ठीक है, तो अब ये दोनों चैलेंज करने लगे हैं और देखते हैं कौन जीतने वाला है। ये जैनब भी बैठी हैं और नवाब भी बैठे हैं, सबकी प्लेटें मैंने आप लोगों को फोकस कर दी हैं, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, अभी सब इसमें आ जाएगा। अच्छा, जब मैं स्टार्ट बोलूँ, सबर 1 2 3 स्टार्ट, चलो स्टार्ट हो जाओ। जैनब बैठकर खाए नीचे गिरेगा, ये यहाँ पे खाया कम जा रहा है और एक दूसरे की प्लेट में ज्यादा देख रहे हैं। जैनब गिरेंगे सारे, बैठ के खाएं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैनब ने रिकॉर्ड तोड़े में, जैनब के कांटे में कुछ भी नहीं आ रहा। जैनब मैडम कांटे में थी और हाथ से भी खा सकती हो अगर कांटे में कुछ नहीं आ रहा तो। ये जैनब मैडम कांटे हाथ से शुरू हो गई हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन जीतने वाला है। जैनब मर जाएगी, बैठ के खा। जैनब बैठ जा, नीचे बैठ जा, इतने नूडल गिराए। ये जवाब जीतने वाले जमाल, शर्मा शर्मी नहीं करें और जमाल शर्मा शर्मी में आप हार जाएंगे, शर्म करेंगे। वो देखें सांस बंद हो रहा है सर। जवाब जीत गए हैं, जवाब की प्लेट बिल्कुल फिनिश हो गई है और जैनब जो है, जैनब का ना पूछे, जैनब की प्लेट में अभी भी बहुत नूडल है क्योंकि जैनब ने किया हुआ था पागल। नवाब सेकंड हो गई है, और जैनब की बदतमीजी, जैनब ने बहुत नूडल गिराए और जैनब अब उठाएंगी भी।
जमाल और जैनब में अब देखते कौन जीतेगा। मुझे लग रहा है जितनी जल्दी जैनब को थी, जैनब ने हार मान लेनी है। जैनब जैनब मैं भी पिटाई करती हूँ जैनब की। मैंने खाया, सीधा निकल गया। बनीन के आप लोगों को अभी भी आवाजें आ रही होंगी, बनीन ने कर दिया हम लोगों को पागल। साथ मेरे पेट में ये दोनों की हो गई है टाई, उसका भी खत्म हो गई। ये ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट होना चाहिए? टाई तो क्या भाई, आपकी प्लेट में नूडल कम थे, क्यों इंसाफ होना चाहिए? इसकी प्लेट में नूडल ज्यादा थे, कम थे? कितना ही बड़ी झूठी हो गाइस। बात ये है कि ये जो कांटे है ना, ये तक खाया नहीं जाता, इससे आता ज्यादा कम है। तो जो चम्मच है ना, इसने चम्मच वाली प्लेट ले ली। हाँ, इसने चम्मच, ये हो गई चीटिंग। मैं कहता है चम्मच से नहीं, ये चीटिंग हो गई। कांटे से सैनअप का भी नहीं आ रहा था। ये चैलेंज ट्राई होना चाहिए। मेरी नवाब सिंसियरिटी से खा रही थी, और नवाब इट्स मीन इंसाफ करना चाहिए कि नवाब जीता है या हारा है। नवाब जीते हो हारे? कोडू ने आज जीत कर दिखाया मेरे, ये मेरा बच्चा है, ये जीत गया लगता है। जवाब जमाल और जैनब, इन तीनों का अब होगा वापस टाई, ठीक है? नवाब भी होगा उसमें, नवाब को भी खाने को दिया जाएगा। लेकिन नवाब अब इस खुशी में क्या सुनाएगा? पोयम सुनाएगा। टेडी बियर जल्दी से सुना। माशाल्लाह नवाब, माशाल्लाह देख रहे हैं, समर वेकेशन की तैयारी कर रहे हैं, और कल इन दोनों की भी तैयारी होगी। अच्छा जमाल, आप क्या कहते हो कि टाई होना चाहिए? टाई होना चाहिए। ये उतरो नीचे, पहले तो ये सारा उठाओ। मैं चली भी रही हूं, मैं भी टाई कर दिया था, मैं तो नहीं मानता, मैं जीता हूं। नहीं, कोई नहीं जीता। ये बात राइट है इसकी कि यहाँ पे कांटा रखा हुआ है, आप लोग इंसाफ कर सकते हो। ये कांटा है और इसके पास चम्मच है, चीटर के पास। जमाल के बकौल के कांटे में कम आता है। हाँ, कांटे में कम आता है, कांटे कांटे से पकड़ने की कोशिश करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। मैं बताओ क्या करना। जवाब चीटर है, जवाब पहले भी चीटिंग से जीता था, टाई हो गई थी। कितनी ये बड़ी ये झूठी हो, कितनी ये बड़ी ये झूठी, कितनी ये बड़ी झूठी। अच्छा ये है कि शॉर्ट सा हमने चैलेंज रखा था बच्चों का, और चैलेंज के अंदर ये हो गया टाई। टाई कैसे हो गया? जमाल ने कहा ये है नीरी चीटिंग, कि मुझे मिला है कांटा और इसको मिला है चम्मच, ठीक है? जवाब जवाब कह रहे हैं कि मैं चम्मच से खाता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अब हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन जीता है और कौन आ रहा है। जो जीतेगा, नहीं, जो जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे। क्यों, नूडल भी मैं अपनी जेब से मंगवाऊँ? तुम लोगों को 100 रुपए भी मैं इनाम दूँ? बोल के तुम लोग मुझे इनाम दोगे ना? तो गाइस, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये चैलेंज, और कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। असल में मेरी बनीन जो है वो बहुत 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 तंग कर रही है, उसे बहुत नचाया हुआ है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।